टाइम ईजी से मिल लो हाँ तीन इससे पानी एक साथ बुल्लू जाए दो अस्सलाम वालेकुम अभी जो है हम चराशाह पहुंच चुके हैं और नाइट स्टे यहीं पर करेंगे इंशाल्लाह ताला उसके बाद सुबह को फजर की नमाज पढ़ के और फिर हम सस्सी के लिए निकलेंगे तकरीबन 12 अफराद हैं कुछ अपना न्यू राइडर हैं पहले तो उन्होंने बहुत तारीफें की हैं लेकिन दिल ही दिल में यकीनन वो बुरा वाला कह रहे होंगे क्योंकि रास्ता बड़ा टफ है डेजर्ट राइड है लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है और जो राइडर्स के माहिरीन हैं जो स्पेशलिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि ये राइडिंग सीखने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है और तकरीबन यहाँ पर हम लोग अक्सर आते रहते हैं जैसा कि आप हमारा मेरा स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं कि मैं यहाँ पर तकरीबन आता ही रहता हूँ तो इंशाल्लाह ताला जो है वो सुबह को सस्सी के लिए निकलेंगे और सस्सी पुनू भी जो है वो हम जरारशाह से ऑफ रोड करते हुए सस्सी पुनू जाएंगे तविश कुछ कहना चाहेंगे आप सफर के बारे में कुछ तो कहें देखें ऐसा ना करें कुछ तो कहें कुछ कहें हेलो कर दे फात भाई ये फात भाई है जी माशाल्लाह अच्छा रहा सफर बाकी आगे भी अच्छा रहेगा फिर हम खत्री राइडर्स के लिए एफ के राइडर्स के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है मैं दूसरों को भी रिकमेंड करूँगा इनके साथ यहाँ पे जरूर आए अंदर थेड़ो पूजा आरती है जी
नसीर भाई, अरे ये कौन सी जगह है, इसके बारे में कुछ बोलो तो सही भाई। ये अभी हम लोग जो है वो सस्सी पुनों की तरफ ही जा रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर रास्ता बाकी है, जो डिजर्ट राइड थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पर एक होटल, एक ढाबा नुमा एक होटल। डिजर्ट राइड कैसी रही आपकी? अच्छी रही, लेकिन कुछ दोस्त थे वो बड़े पहली बार आए थे, उनके लिए बड़ी टफ गई। वो तो नहीं मोटे साहब, उन्होंने इंजॉय भी किया। अब ये इंशाल्लाह सीधा यहाँ से आपको रास्ता खतरनाक नहीं है, सिर्फ बजरी वाला है। चलो फिर मिलते हैं वहीं पर।